लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले यार मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि आज की टेक न्यूज शायद थोड़ी सी लेट आ रही होगी क्योंकि मैं आज थोड़ा बिजी था। कल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और परसों आपको एक वीडियो मिलेगी जो बहुत ही स्पेशल, काफी एक्सक्लूसिव होगी, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसी पर बेस्ड होगा। थोड़ा सा ये एक हिंट है। एनीवेज दोस्तों, कल की हमारी जो टेक न्यूज थी वो 42 नंबर पर ट्रेंड कर रही थी। जब मैंने चेक किया तो बहुत खुशी हुई और जो प्यार आपने कल की टेक न्यूज पर भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही डेली प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना। गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ गया हूं और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर ऑनलाइन फ्रॉड से। और ये जो फ्रॉड स्कैम इंडिया के अंदर अब इतना आसान हो गया कि मैं आपसे क्या बताऊं। अभी दो और किस्से यहां पर निकल कर आ गए। इतना आसान हो गया कि मतलब अब जैसे आप जाके पान खरीदते, सब्जी लेते, नॉर्मल हो गया, डेली का काम है ये। अगर कोई मेरे को आके बोलता भी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो मैं 2 मिनट सुनूंगा, फिर बोलूंगा दो चाय बोल, ऐसा मामला हो गया। लेकिन अब दोस्तों फास्ट टैग, आपको पता होगा गाड़ियों पर जो फास्ट टैग लगता है स्टिकर, उसके लिए आजकल लाइन लग रही है, काफी ट्रेंड है उसके ऊपर। ताकि उससे क्या होगा कि टोल पर जब आप गुजरते गाड़ी लेके तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर सेंसर होगी, वो स्कैन करेगी और फिर आपके पैसे वहीं से डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से, आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फास्ट टैग का वॉलेट भी होता है, एक बंदे का वॉलेट काम नहीं कर रहा था तो एक्सिस बैंक से उसको फेक कस्टमर केयर का कॉल आ गया, बोला भाई आपको एक लिंक देता हूं, उस पर जाइए, डिटेल्स भरिए, ओटीपी भी हमको भेजिए, आपका वॉलेट चल जाएगा। ओटीपी भाई ने भेज दिया, 50,000 गायब, नहीं भेजने का, कभी भी ओटीपी नहीं भेजने का। तो ये एक वापस स्कैम हुआ। इसी साल शुरुआत में बता दूं, फेक कस्टमर केयर बनके वोडाफोन का किसी ने कॉल किया था, 3 लाख का चूना लगा दिया था, तो ध्यान रखना है। वैसे एक और किस्सा आया कि ट्रेन में एक लेडी का वॉलेट चोरी हो गया था नोएडा के अंदर और 1.5 लाख रुपए किसी ने उड़ा दी क्योंकि उसमें HDFC का डेबिट और क्रेडिट कार्ड था। अब पता नहीं उसको पिन कैसे पता चला, लेकिन ऐसे भी स्कैम्स चोरी के बाद भी हो जाते, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आप जाके अगर पुलिस कंप्लेंट करते बैंक में बोलते तो पॉलिसी RBI की आपको 10 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी खूब चप्पल घिसना पड़ेगा। लेकिन आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि अपने चीजें अपने पास संभाल के रखिए और OTP जिंदगी में किसी को मत दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों Vivo की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और Vivo IQ वाले जो स्मार्टफोन है, बहुत टाइम से हम दुआ कर रहे थे कि यार ये स्मार्टफोन जो चाइना में लॉन्च हुए हमें कभी ना कभी इंडिया में तो मिल जाए। तो अब ऐसे लीक यहां पर निकल कर आई है कि मार्च के महीने में इस साल हमें Vivo IQ वाले बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिलेंगे, एक नहीं दो नहीं काफी सारे, जैसे कि Vivo IQ, IQ Neo, Neo में दो अलग अलग वेरिएंट से, फिर एक प्रो, फिर लाइट, ऐसे करके आएंगे। और स्नैपड्रैगन 865 वाला भी आपको Vivo IQ मिलेगा, ये भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जी हाँ, तो ऐसी खबरें आ रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने ट्रेडमार्क भी फाइल किया था तो मुकुल शर्मा ने कुछ ट्वीट शेयर किया, तो ऐसे कुछ IQ वाले आपको फोन दिख रहे हैं। इंडिया में दोस्तों आएंगे, प्राइस जो होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी, 20-25 हजार के आसपास आपको मिलेगा। तो ये जो मार्केट है 20-25 हजार का, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा क्योंकि पोको भी अब तैयार हो चुका है। देखते हैं दोस्तों क्या खास होता है Vivo IQ में और क्या प्राइस होती है, ये तो हमें मार्च के महीने में ही पता चलेगा। तो यहां पे दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और Realme Buds Air, इनका जो ये वायरलेस ईयरबड्स है ये बहुत ही पॉपुलर है, रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था, 4,000 रुपए की प्राइस है, काफी अच्छा चल रहा है। थोड़े टाइम पहले अपने टेक्नोस में मैंने आपको बताया था कि Realme Buds Air Neo, इसका लाइटर वर्जन भी हमें देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों ताइवानीस नेशनल कम्युनिकेशन कमीशन पर ये लिस्ट होकर आ चुका है वापस से। जी हाँ, अभी सिर्फ लिस्ट हुआ है लेकिन साथ में लाइव फोटो भी निकल कर आ चुकी है। ये पहली लाइव फोटो आप देख सकते हैं Realme Buds Air Neo की है, सब कुछ सेम दिख रहा है, Realme Buds Air जैसा ही मैच हो रहा है, कुछ खास डिजाइन में फर्क नहीं है, लेकिन जो इंटरनल्स हो गए वो आपको थोड़े वहां पर इंप्रूवमेंट्स जो वो देखने को मिलेंगी। और जो प्राइस होगी बताया जा रहा है कि शायद आपको 2,000 से 3,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों, जो इसकी लाइव फोटो भी निकल कर आ चुकी है। वैसे क्या ख्याल है दोस्तों इन वायरलेस ईयरबड्स के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Samsung की तरफ से खबर आ रही है और Samsung Galaxy S20 सीरीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानता हूं मैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खरीदते क्योंकि काफी एक्सपेंसिव होते हैं, आईफोन्स भी हम नहीं खरीदते क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वेट तो हम हर चीज का करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है। Samsung Galaxy S20 सीरीज 11 फरवरी को उनका जो अनपैक्ड इवेंट होगा वहां पर आएगा और अब यहां पर एक लीक निकल कर आई है, उनकी प्राइस यहां पर बाहर आ गई। जी हां, 13 मार्च को वैसे बताया जा रहा है कि ये फ्रांस में भी जाएगा और उसमें उसकी प्राइस आई है, बताया जा रहा है कि जो S20 होगा वो 71,000 के आसपास आपको मिल सकता है, ये कन्वर्ट करके बता रहा हूं यूरो से। उसके बाद S20 जो प्लस आएगा वो कुछ 78,900 का होगा, S20 अल्ट्रा जो होगा वो 1,00,000 के भी ऊपर जा रहा है। जी हां, तो कुछ प्राइस यहां पर इन डिवाइसेस की निकल कर आई है जो बहुत ही
महंगे तो लग रहे हैं लेकिन चीज भी आपको कुछ वैसी मिलेगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इंडिया में भी दोस्तों आएंगे फरवरी की एंड तक या मार्च के स्टार्ट में आपको मिलेगा, आएगा। प्राइस के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एनवीडिया की तरफ से खबर आ रही है और एनवीडिया दोस्तों आपको पता है कि इनके जो जीपीयू होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं और अभी रिसेंटली उनके जो आरटीएक्स 20 सीरीज वाले जो जीपीयू है इनका सक्सेसर आने वाला है आरटीएक्स 3070 और 3080। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए और ये 7nm पर बेस्ड हो गए और साथ में इनमें जो वर्चुअल रैम होगा उनका जो ग्राफिक्स का मैं उसकी बात कर रहा हूं वो बताया जा रहा है कि DDR6 वाला होगा 16GB और 20GB। ये बहुत ही ज्यादा है क्योंकि जो उनके 20 सीरीज वाला जो जीपीयू था उसमें मैक्सिमम 8GB का वर्चुअल रैम था लेकिन ये DDR6 वाला 20GB का होगा। ये बहुत ही बड़ा लीप है आप अगर उसको प्रीवियसली कंपेयर करते हो। अब ये सिर्फ लीक आया है, पता नहीं ये कौन से लैपटॉप या डेस्कटॉप में वो लोग उसको लेके आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, वैसे ये इंडिया में भी आ सकता है, ऐसी भी लीक है, जब आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज काफी बड़ी खबर आ रही है और पहली खबर की बात करें तो Redmi K30 Pro रिसेंटली यहां पर Geekbench पर लिस्ट होकर आ गया था। Snapdragon 865 Android 10 और 8GB की RAM इसमें बताई जा रही है और जैसे कि कल मैंने आपको टेक न्यूज़ में बताया था कि मन्नू कुमार जैन ने बताया था कि हम Snapdragon 865, 765G और 720G वाले प्रोसेसर वाले फोन लॉन्च करेंगे। तो ये भी कंफर्मेशन है कि Redmi K30 Pro इंडिया में हमें बहुत ही जल्दी जो वो देखने को मिल सकता है और जो Geekbench पर लिस्ट हुआ है ये देख के काफी ऑथेंटिक लग रहा है। Redmi K30 तो पहले आ जाए उसके बाद हम Redmi K30 Pro की बात करेंगे। लेकिन आज दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। जब कल पोको ने जो टीजर छोड़ा था में कुछ कहीं ना कहीं हमें से लग रहा था कि ईस्टर एग्स या कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होगा, तो वैसे हुआ दोस्तों। किसी ने मुझे ट्वीट किया, मुझे टैग किया और ये फोटो भेजा है। अगर आप गौर से देखते हैं इस टीजर में दोस्तों तो राइट के अंदर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक्स लिखा है और नीचे आएंगे तो 2 लिखा है और उसके बाद आगे भी अगर थोड़ा आप देखेंगे, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें भी देखेंगे ऊपर एक्स और नीचे 2 लिखा है। क्या ये हिंट था पोको X2 का जो हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी पोको की तरफ से मिल सकता है? ये मुझे मिला है, वैसे आपको मिला है तो आप मुझे बताइए ढूंढ के, क्योंकि जिसने मुझे टैग किया ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। और साथ में इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खबर ये है कि 2 फोन एक साथ पोको लॉन्च कर सकता है एक टाइम पर, ये भी खबर आ रही है। वैसे ये देख के मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये हिडन है जो मैंने मुझे पता चला है। वैसे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत ही कमाल की खबर निकल कर आ रही है जहां पर दोस्तों हम सभी बेसब्री से 5G का इंतजार कर रहे हैं इंडिया के अंदर और हमें पता है जब नया 5G आएगा तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चाइना में कुछ और ही मामला चल रहा है। 2019 में ही उन्होंने Redmi K30 का 5G लाया था 20,000 रुपए के अंदर। 2020 में Huawei ने ऐसा बताया कि एंड तक हम $150 वाले फोन लाएंगे जिनमें 5G होगा, मतलब 10,000 से 15,000 की रेंज में। तो ये सब कुछ तो चाइना में हो रहा है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि 2021 के फर्स्ट हाफ से इंडिया में हमें ऐसे फोन्स मिलेंगे जिनमें 5G होगा और जिनकी प्राइस 10,000 से 15,000 के बीच में होगी। ऑब्वियसली जब 2020 में हमें 5G वाले फोन्स आएंगे जो मिड से थोड़े महंगे होंगे, एंड तक थोड़े सस्ते होंगे, लेकिन 2021 की स्टार्ट से इंडिया में ऐसे फोन्स आएंगे 5G जो 10,000 से 15,000 के बीच में होंगे। सुन के मुझे तो अच्छा लगा और ये पॉसिबल भी है क्योंकि सब जगह पर आ गया, अब इंडिया ही बच गया, तो भाई आ जाओ और सस्ते में भी दे दो तो उससे हमें खुशी मिलेगी। कैसा लगा आपको कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको हमें बताया दोस्तों ऑनलाइन सबसे पहला फूड किस वक्त और कौन सा यहां पर ऑर्डर दिया गया था? 1994 के अंदर पहली बार ऑनलाइन पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर दिया गया था। ये पहला ऐसा फूड था जो ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था। जी हाँ, तो आज की रेड न्यूज़ पे कहते हैं उम्मीद करता हूं आपको आज की रेड न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। पान खरीदते कुछ वैसे यहां पर हो गया, एकदम आम हो गया है अभी। उसमें बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस